हेलो इंटेलिजेंट्स, दिस इज़ अक्षय चोपड़ा। वेलकम यू टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे, बेसिक लेवल का 2023 और 24 का, जो CBSE द्वारा प्रोवाइड कराया गया। ठीक है बेटा, हम उसकी पहले चार वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम A, B, C, D चारों सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन ई डिस्कस करके हम ये बेसिक लेवल का पेपर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन आपका, इंडिया इज़ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन। ठीक है, इंडिया आज की डेट में, ठीक है जी, सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है क्योंकि इसकी मैन पावर की कॉस्ट कम है और इसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। चलो, इन चीज़ों का तो वो हमारे क्वेश्चन से लेना देना नहीं। जो मेन क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ TV सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अच्छा, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, का मतलब सेम बढ़ रही है। जैसे हर साल 50 TV ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लो एक पहले साल में 100 TV गए, उसके बाद 200 बन गए, फिर 300 बने, फिर 400 बने, मतलब हर साल एक फिक्स क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो रही है ना। 100-100 TV बढ़ रहे हैं हर साल, तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली लगातार बढ़ रहे हैं बाय अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, हर साल इट प्रोड्यूसेस 16,000 इन सिक्स्थ ईयर एंड 22,600 इन नाइन्थ ईयर। तो सबसे पहले तो जो गिवन है बेटा वो लिख लो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना कि यूनिफॉर्मली फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है, इट मींस ये AP का क्वेश्चन है। ठीक है, इट मींस ये AP का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें सिक्स्थ ईयर में यानी कि सिक्स्थ टर्म दे रखी है, नाइन्थ ईयर में यानी कि नाइन्थ टर्म दे रखी है। तो सिक्स्थ टर्म है 16,000, ठीक है, जो हमारी सिक्स्थ टर्म है दैट इज 16,000, एंड जो हमारी नाइन्थ टर्म है दैट इज 22,600, यही है ना, 22,600। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले तो बेटा ए और डी निकाल लो। ये ए प्लस 60 दे रखा है, ओके 16,000, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए प्लस 8 डी दे रखा है, दैट इज 22,600। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो माइनस 3D किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव ऑफ, इन दोनों को माइनस कर दो, 16 और 6 बाई यानी कि 6,600 हो गया। ठीक है, अपने जो D है, D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई सिंपली 6,600 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2,200। ठीक है, बात को समझ गए, तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2,200। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, D आ गया तो बेटा A भी तो फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो ए प्लस 5D था 16,000, ओके, तो ए प्लस 5 टाइम्स 2,200 इक्वल्स टू 16,000, ओके, तो ए प्लस ये कितना बन जाएगा अपना, 0, 0, 5, 2 जो 10, 10 और 1, 11। ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई बेटा, 16,000 माइनस 11,000, दैट इज 5,000, ओके, कितना आ गया, 5,000 आ गया, यानी कि पहले साल में 5,000 जो TVs थे वो बनाए गए, फिर 2,200 हर साल प्रोडक्शन बढ़ती गई। ठीक है जी, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, कौन से साल में 29,200 प्रोडक्शन है, यानी कि हमें AN दे रखा है 29,200, हमने ईयर बताना है। ईयर का मतलब क्या हो गया, N की वैल्यू बतानी, ओके, तो फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, तो 29,200, ए आ गया 5,000, एन अपने को फाइंड आउट करना है, डी कम्स आउट टू बी 2,200 इक्वल्स टू 29,200, सिंपल है। तो 2,200 टाइम्स एन माइनस वन, इसकी वैल्यू आ गई 29,200 माइनस 5,000, तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी 2,200 एन माइनस वन इक्वल्स टू, अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 24,200, तो एन माइनस वन की वैल्यू आ गई 24,200 बाई 2,200, तो 0,0 कैंसिल, इसको 22 पे करेंगे तो ये बन जाएगा 22 वन 20, ये तो 11 आ गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 आ गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू 12 आ गई, तो कितने, कौन से ईयर में, इन 12th ईयर, तो आंसर क्या आ गया, इन 12th ईयर प्रोडक्शन विल बी 29,200। ठीक है,
चलिए अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड दी प्रोडक्शन इन एट्थ ईयर। तो वो कहता है एट्थ ईयर में बताओ, एट्थ ईयर का मतलब ए एट की वैल्यू, समझ गए, ए एट की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस सेवन डी ना, तो ए की वैल्यू थी आपकी 5000 प्लस सेवन टाइम डी था 2200, तो ये बन जाएगा 5000 प्लस ये आ गया 7 2 14, 14 और 1 15, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 0 0, ये बन गया 4 और ये बन गया 20400, ठीक है। अब इसको बेटा एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो आप, देखो जैसे मान लो ए एट है ना आपका, ठीक है बेटा, ए एट में अगर तुम डी प्लस कर दोगे तो ए नाइन नहीं आएगा, इतनी बात तो क्लियर है। पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो अगली टर्म आएगी, तो ए नाइन तो आपको दे ही रखा है भाई 22600, तो कर सकते हो ना इससे, ठीक है। तो ए एट प्लस 2200 ये क्या बन गया 29000 एंड ये क्या था 22600, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ए एट क्या आ गया 22600 में से 2200 कर दो माइनस, तो ए एट की वैल्यू आ गई 0, 6 - 2 कितना आ गया 4, 22 - 2 कितना आ गया 20, तो 20400 आ गया फिर से, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा जैसे मर्जी करो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अच्छा नेक्स्ट में है अपना और वाला पार्ट है, फाइंड दी प्रोडक्शन इन फर्स्ट थ्री ईयर्स। अब ध्यान देना बेटा, ये एट्थ है और ये फर्स्ट थ्री है, ये इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है ए एट, मेरी बात को समझ गए। एट्थ ईयर ना सिर्फ उसी साल की बात बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पहले तीनों ईयर में कितने प्रोड्यूस हुए, पहले तीनों ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में कितने हुए, सेकंड ईयर में कितने हुए, थर्ड ईयर में कितने टीवी बनाए गए, सबको प्लस करके ही आएगा ना, बात को समझ गए। तो इस चीज़ का ध्यान देना है एपी में, जहाँ पर टीएच वगैरह एट्थ टर्म नाइन्थ टर्म बोला वहाँ पर्टिकुलरली उसी टर्म की बात है, जहाँ पर फर्स्ट थ्री ईयर फर्स्ट फोर ईयर बोला वहाँ सम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हमें एपी चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस क्वेश्चन में हमको सम चाहिए। तो पहले तीन साल का है, एन की वैल्यू तीन हो गई, तो ए 5000 है, ठीक है, ये है 3 - 1 इंटू 2200, बस इसको सोल्व करो आपका आंसर। तो एस थ्री की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2, ये बन गया 5000 एंड टू 10000 आ गया, ठीक है जी, प्लस 2 × 22 कितना आ जाएगा 44, इतनी बात तो क्लियर है ना। तो एस थ्री की वैल्यू क्या आ गई 3/2 × ये आ गया 14400, ठीक है। इसकी आप कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 7200, ठीक है। तो तीन ईयर की प्रोडक्शन कितनी आ गई बेटा 0032 6 एंड 3 7 21, ठीक है। तो टोटल तीन साल में मिला के कितने टीवी प्रोड्यूस करेंगे बेटा 21600। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ सेवन्थ ईयर एंड फोर्थ ईयर। वो कह रहा है सेवन्थ ईयर और फोर्थ ईयर की प्रोडक्शन में डिफरेंस बताओ, यानी कि सेवन्थ ईयर की प्रोडक्शन और फोर्थ ईयर की प्रोडक्शन में डिफरेंस बताना है। अब तुम ये कहोगे सर फोर आगे नहीं लिखा, सेवन पीछे नहीं लिखा, बेटा ऑब्वियसली हर साल प्रोडक्शन क्या है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, हर साल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने का मतलब बढ़ रही है, तो यानी कि जो अगली टर्म आएगी वो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो ए सेवन माइनस ए फोर करना पड़ेगा, बात को समझे ना, नेगेटिव में तो आंसर आ नहीं सकता। चलिए ए सेवन क्या था ए प्लस 6d, ए फोर क्या था ए प्लस 3d, तो ये बन गया ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 3d, तो 6d माइनस 3d आंसर कितना आ गया 3d, तो बस d की वैल्यू क्या थी अपनी 2200, तो आंसर क्या आ गया 6600, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका एपी का क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया क्वेश्चन। आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट, ठीक है, आलिया शगुन क्या दोनों एक ही गली में रहते इन पटेल नगर। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट विच इज़ ऑन द लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे बोथ स्टडी इन दी सेम स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर फ्रॉम शगुन्स हाउस, जो उसके घर के पास है। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। अच्छा अब अपना क्वेश्चन आया कि जो अपना स्कूल है वो ओ पॉइंट पे है, ये रहा, ठीक है, जो अपना स्कूल है वो ओ पॉइंट पे है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। उसके बाद
द ओरिजन आलियाज हाउस इज एट ए, आलिया का हाउस ए पॉइंट पे, ठीक है। शगुन्स हाउस इज एट बी, बी पॉइंट पे किसका है, शगुन का हाउस है, ठीक है। तो इसको लिख लो, स्कूल पूरा लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी इज एट सी, सी के ऊपर क्या लाइब्रेरी है, समझे। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर दो। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो बेटा, इसके तो जीरो जीरो हो जाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू थ्री। शगुन के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू वन, ठीक है। और जो लाइब्रेरी है उसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स फोर एंड वाई वन, ठीक है जी। चलो, हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस, आलिया का हाउस और शगुन का हाउस कितना दूर है। बेटा एक तो आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो नंबर दो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है कि आपको पता है ना ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है ना, तो वाई में कितना गैप आ रहा है, वन और थ्री, टू का गैप आ रहा है, सीधा इसका आंसर आएगा टू। मेरी बात को समझ गए, जितना अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है ना पॉइंट, तो उनका जो सेम कोऑर्डिनेट है उसको तो छोड़ो, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दो बस, वही आपका आंसर आ जाएगा टू। मेरी बात को समझे, नहीं है तो आप ज़रा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, आलिया और शगुन का डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा दोनों के वाई, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये बन जाएगा जीरो स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, जीरो का स्क्वेयर जीरो, टू का स्क्वेयर फोर, और फोर का रूट क्या होता है बेटा, टू होता है, तो टू आ गया आपका आंसर सिंपली, ठीक है। इतना दिमाग नहीं चलता तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही है। हाउ फार इज़ दी लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन्स हाउस, वो कह रहा है लाइब्रेरी और शगुन के घर का कितना डिफरेंस है। अब बेटा ये देखो, ये डिस्टेंस बताना है, तो ये भी तो इसी लाइन पे है ना, जिसका आपका वाई कोऑर्डिनेट सेम है और एक्स कोऑर्डिनेट में दो का गैप है, तो वही दो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझ गए, अगर नहीं है तो डिस्टेंस निकाल लो, शगुन और लाइब्रेरी में डिस्टेंस, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अंडर द रूट, ये बन जाएगा टू स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, अगेन वही बात आ गई, टू का रूट फोर होता है और टू का स्क्वेयर फोर होता है और फोर का रूट टू होता है, तो टू यूनिट्स आ गया आपका आंसर, ठीक है। यूनिट्स नाल जरूर लगाना, ठीक है, टू यूनिट्स अगेन आंसर आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, शो दैट फॉर शगुन, शगुन के लिए स्कूल इज़ फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, वो कह रहा है शगुन के लिए क्या है, आलिया का घर और लाइब्रेरी से कंपेरेटिव जो स्कूल है वो दूर है। कहने का मतलब हमने स्कूल और शगुन का डिस्टेंस फाइंड करना है, शगुन और लाइब्रेरी का डिस्टेंस फाइंड करना है, शगुन और आलिया का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि शगुन और स्कूल में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन अपना ये है कि शगुन के लिए स्कूल का डिस्टेंस आलिया और लाइब्रेरी के कंपैरेटिव ज़्यादा है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, अब देखो शगुन और आलिया का डिस्टेंस हमने दो निकाल रखा है, शगुन और लाइब्रेरी का डिस्टेंस भी दो निकाल रखा है, शगुन और स्कूल का डिस्टेंस निकाल लें, तो शगुन के कोऑर्डिनेट टू वन है, स्कूल के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है, ठीक है। तो शगुन और स्कूल का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टू कोऑर्डिनेट क्या थे इसके, टू एंड वन, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये बन गया टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर विच इज़ फोर प्लस वन अंडर रूट विच इज़ फाइव, और बेटा फाइव का जो अंडर रूट होता है दैट इज़ टू पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। अब आप देखो जो स्कूल का डिस्टेंस है वो टू पॉइंट समथिंग है, लेकिन बाकी दोनों का डिस्टेंस टू टू एग्जैक्ट है, तो ऑब्वियसली फिर स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हैंस डिस्टेंस ऑफ स्कूल इज मोर फॉर शगुन, ठीक है, तो शगुन के लिए स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो आपका और वाला पार्ट था, उसमें है कि शो दैट आलियाज हाउस, शगुन हाउस और लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। वो कह रहे हैं शगुन का हाउस, लाइब्रेरी और आलिया का हाउस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। अब बेटा आइसोसेलेस क्या होता है, जिनका क्या कहते हैं, दो साइडें सेम होती हैं, यानी कि अगर मैं इसको मिला के एक ट्राइंगल बना लूँ तो दो साइड सेम आनी चाहिए, वो भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस टू है और ये डिस्टेंस भी टू है, अभी तो हमने फाइंड किया शगुन और आलिया का डिस्टेंस, ये रहा आलिया और शगुन का डिस्टेंस टू आया, उसी तरह से शगुन और लाइब्रेरी का डिस्टेंस वो भी हमने निकाल लिया, शगुन और लाइब्रेरी का डिस्टेंस वो भी टू आया, दो डिस्टेंस सेम आ गए कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखेंगे, सिंस
डिस्टेंस ऑफ शगुन फ्रॉम आलिया एंड लाइब्रेरी, ठीक है, इज सेम, हैंस ट्रायंगल फॉर्म्ड, हैंस ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी, या विल बी नहीं, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए अब पहुँचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और हम करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, एक मिनट, हाँ, केस स्टडी 3 है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के ऊपर बॉय खड़ा है। ही ऑब्जर्व द बोट पी एंड क्यू आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, दूसरी बोट का 30 डिग्री, समझे। ही ऑल्सो नोज दैट हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, लाइट हाउस की जो हाइट है वो भी 100 मीटर है। तो ये रहा अगले पेज पे आपका क्वेश्चन। अरे वाह, इसकी तो डायग्राम भी बनी है, ठीक है। तो ये बॉय खड़ा है एक लाइट हाउस के टॉप के ऊपर, ठीक है, जिसकी हाइट है 100 मीटर, और ये पी और क्यू बोर्ड्स हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक का डिप्रेशन एंगल 45 है, एक का 30 डिग्री है। अब बेटा आपको मैंने जब लेक्चर करवाया था, एनसीईआरटी सॉल्व कराई थी, वहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इससे घबराना नहीं, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो पैरेलल है ना। और आपको मैंने बताया कि जब भी जेड बनती है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते, यहाँ पे ये जेड बन रही है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते। तो बेसिकली डिप्रेशन नहीं, वो एलिवेशन ही गिवन होता है इनडायरेक्टली। बच्चे हमेशा डिप्रेशन एंगल देख के खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये काम नहीं करना पेपर में, ठीक है, ये सबसे ईजी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, और देखते हैं कि क्या कुछ फाइंड आउट करना है। देखो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, पहला पार्ट, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल APD, वो कह रहा है APD का मेजर बताओ। ध्यान देना APD, ये तो हमने बातों बातों में ही सॉल्व कर लिया, अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखोगे, एंगल APD किसके इक्वल है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि है XAP, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल जो अपना APD फाइंड करना है दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इफ़ YAQ 30 डिग्री है, ये रहा YAQ 30 डिग्री है, YAQ, ठीक है, देन AQD इज ऑल्सो 30 डिग्री, वो कह रहा है AQD वो भी 30 होगा। हाँ जी भाई, हमने देख ही लिया Y, लो इसका क्या लिख देना, बिकॉज जो AY है दैट इज़ पैरेलल टू DQ, ठीक है, हैंस बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, अल्टरनेट एंगल्स, हैंस द एंगल्स आर इक्वल, जिसकी वजह से जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। बस क्वेश्चन ख़त्म, इतनी सी बात थी। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ये तो केस स्टडी बड़ी इजी डाली है, फाइंड द लेंथ PD, PD की लेंथ बतानी है, PD कहाँ पे है, ये रहा PD की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब बेटा इसके लिए तुम इस ट्रायंगल में आओ, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जिसमें परपेंडिकुलर 100 है और आपको एंगल दे रखा है, और साथ में क्या चाहिए, बेस चाहिए। अगर मैं इसको रफ में बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का नहीं बन रहा कि ये 100 दे रखा है और ये एंगल 45 दे रखा है, बेस आपको निकालना है। अब बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको पता है, टेंजेंट होता है, मेरी बात को समझ गए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AD, और बेस क्या है यहाँ, PD, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या बन जाएगा अपना, टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या थी, 100, PD अपने को फाइंड करना है, टेंजेंट 45 1 होता है, तो PD की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 100 मीटर है, तो PD की वैल्यू क्या आ गई, 100 मीटर, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट कर लेते हैं, और वाले पार्ट में क्या है, फाइंड दी लेंथ DQ, वहाँ पे भी सेम ही है। तो DQ के लिए बेटा इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये रहा DQ, अगेन परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस आपको निकालना है, तो टेंजेंट 30 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इज AD, बेस इज DQ, तो अगेन क्या बन जाएगा बेटा, ये AD अपॉन DQ इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री।
तो AD आपका 100 था, DQ आपको फाइंड करना है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो DQ की सिंपली वैल्यू क्या आ गई, 100√3 मीटर, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ पे सिंपली पूछा था कि DQ फाइंड करो, हमने कर दिया। इन केस आपको अगर ये बोला हो कि रूट थ्री की वैल्यू भी लगाओ, समझे, जैसे रूट थ्री की आमतौर पे वैल्यू दे देता है 1.73, ठीक है, 1.73, तो आपको फिर आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा कि 100 × 1.73, इसका पॉइंट निकालोगे तो 100 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो DQ की वैल्यू आ जाएगी 173 मीटर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो, अदरवाइज़ आप यहीं पे छोड़ाओगे, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना कि रूट थ्री को पुट करना है, तो यही आपका आंसर है। इन केस अगर बोल दे कि रूट थ्री को 1.73 पुट करके सोल्व करो, तो 173 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था अपना सेक्शन ई, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अपना बेसिक पेपर ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड के साथ। बेटा जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्ट करा ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ स्टैंडर्ड भी जरूर देखा करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड आ गया ना तो बेसिक की कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।